हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और गाइस हम लोग जो है वो आज फिर से यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 खेलने जा रहे हैं विद माई लॉजिटेक G29 स्टेयरिंग व्हील। और आज के गेम प्ले की खास बात यह है कि हम जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी और बड़े किस्म का जो है वो कार्गो लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मैसेज जो है वो आया, यू आर अबाउट टू हाउल अ स्पेशल ट्रांसपोर्ट कार्गो, दे आर टू एस्कॉर्ट व्हीकल्स विच विल लीड यू, प्लीज बी केयरफुल एंड फॉलो देयर लीड एंड सजेशंस इन द रूट एडवाइजर, स्पेशल ट्रांसपोर्ट लाइक दिस डोंट स्टॉप ऑन अ रेड सिग्नल एंड हैव द राइट ऑफ। तो भाई ओवरऑल इसका मतलब यह है कि हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा सुपर डुपर केयरफुली जो है वो खेलना पड़ेगा। अभी मैं आपको कार्गो दिखा देता हूँ, ये है जी हमारा कार्गो। वैसे इतना बड़ा है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी इट इज़ अ स्पेशल कार्गो डिलीवरी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, तो इसलिए फिर भी भैया भैया थोड़ा सा एहतियात जो है वो तो बनती है। अबे ये कौन सा गियर मैंने लगा दिया बातों बातों में। ओके जी, तो अभी हम चलते हैं और वहाँ पे वो आपको जो है वो प्रेस वाले कुछ नज़र आ रहे होंगे, कैमरा वगैरह जो है वो ले के खड़े हुए हैं और वो बेसिकली फिल्म कर रहे हैं ट्रक को। वो देखो, वो एक न्यूज़ रिपोर्टर भी जो है वो यहाँ पे खड़ी है, तो ये सारे जो है वो वीडियो बना रहे हैं बेसिकली। ओके, तो वो वाह जी वाह, बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है भाई हमें यहाँ तो। अभी हम थोड़ा सा मतलब क्या यहाँ पे स्लोली चलेंगे। एक वीआईपी प्रोटोकॉल ये भी है हमारे लिए कि हमें जो है वो रेड लाइट्स पे रुकना नहीं पड़ेगा, विच इज़ माइंड ब्लोइंग। अरे वाह भाई वाह, यहाँ तो पुलिस भी खड़ी है हमें प्रोटोकॉल देने के लिए। और देखो कैसे पुलिस ने जो है वो गाड़ियाँ यहाँ पर सारी रोक रखी हैं। ओके, मैं बेहतर है कि यहाँ पे ड्राइव करूँ थोड़ा सा केयरफुली, वरना ये ना हो कि हमारा ये मिशन ही फेल हो जाए। अरे भाई सारे रोड्स जो है वो ब्लॉक कर रखे हैं, क्या बात है भाई, माइंड ब्लोइंग। हमारे लिए देखो सारी की सारी सड़क की जो है वो फारिग है, विच इज़ आई डोंट नो अभी मैं क्या बोलूँ इसको, मतलब माइंड ब्लोइंग यार। ऐसा लग रहा है जैसे भैंस को बंदा कोई वीआईपी जा रहा है ना। हमारे तो वैसे यहाँ पे ऐसा होता है कि जो वीआईपीज होते हैं उनको इस तरह का प्रोटोकॉल दिया जाता है, लेकिन क्या बात है यार, मतलब दिल खुश हो गया। तो ये हमने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना है, सिर्फ 300 किलोमीटर जो है वो हमने यहाँ पे ट्रैवल करना है, विच इज़ नॉट टू मच ऑफ अ डिस्टेंस। लेकिन या फिर भी तो अभी जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्पीड पकड़ रहे हैं। मैं भी नहीं चाहता कि ये हमारा जो है वो किसी भी तरह से मिशन फेल हो जाए। मैं भी जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुली ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब आपको लगता है कि अब मिस्टेक नहीं होगी तभी मिस्टेक जो है वो हो जाती है। तो हमारे आगे एक गाड़ी चल रही है, एक आपको यहाँ पे पीछे मैं दिखा देता हूँ। ओके, तो भाई वो बोल रहे हैं कि लाइन चेंज कमिंग है, मतलब लाइन चेंज करनी है अभी यहाँ पे हमने। तो ये पहले वाली जब गाड़ी मेनूवर कर लेगी, लाइन चेंज कर लेगी, फिर जो है वो हमने लाइन चेंज करनी है, वरना हम ऐसे लाइन चेंज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल यही तरीका है, सबसे पहले पीछे वाली गाड़ी मतलब के लाइन पे आती है, फिर आगे वाली आती है, फिर हमारी बारी आती है। जब दोनों गाड़ियाँ जो है वो रोड को आगे पीछे से ब्लॉक कर देंगी, फिर जो है वो हमने आगे आना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, इज़ गोइंग टू वार्न। ओके, तो फ्रंट वाली व्हीकल जो है वो अभी थोड़ा सा आगे निकल गई है, वो जो बाकी के सड़क के ऊपर से जो है वो ब्रिज के ऊपर से ट्रैफिक गुजर रही है उसको वार्न करने गई है कि भाई यहाँ से हमारी एक स्पेशल डिलीवरी आ रही है, आप अभी यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करें, ठीक है। वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर पुलिस भी खड़ी है, तो कैसे उन्होंने रोक लिया सारी ट्रैफिक को, हमारे लिए जो है वो यहाँ पर रास्ता बनाया गया है। तो आई डोंट थिंक ये इतनी भी कोई स्पेशल चीज़, मतलब इस तरह से इससे ज़्यादा तो ओवरलोडिंग हमारे वैसे यहाँ पे सड़कों पे हुई होती है। अबे ये क्या प्रॉब्लम है, प्लीज़ वेट फॉर द रेयर एस्कॉर्ट। ओके, तो अभी हमें जो है वो पिछली हमारी जो व्हीकल है ना, वो जिसने पहले रोक रखा था, उसके आने का जो है वो वेट करना पड़ेगा था यहाँ पे। तो अभी वो आई नहीं है, आई डोंट, ओके वो आ रही है पीछे से। अच्छा, तो वो रुक गई है यहाँ पे, तो अभी जब तक पीछे वाली व्हीकल नहीं आएगी तब तक जो है वो हम आगे नहीं जा सकेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अभी क्योंकि हमारे आगे पीछे जो है वो एक एक स्पेशल व्हीकल्स हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी वो बोल रहे हैं कि भाई हमने लाइन जो है वो चेंज करनी है,
तो अभी आप देखिएगा कि पहले जो है वो पीछे वाली व्हीकल वो आगे आ गई, ठीक है, अभी जो है वो आगे वाली व्हीकल चेंज आएगी, तो अभी हम जो है वो एट द एंड सेंटर से जो है वो मैनूवर कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू चेंज लेंस व्हेन कैरिंग अ स्पेशल डिलीवरी, जब आप स्पेशल कार्गो लेके जा रहे हो तो फिर जो है वो आप इस तरह से चेंज करते हो लाइंस। तो अभी हम जो है वो खासा मतलब के स्टार्टिंग पे हैं थोड़ा सा, तो अभी इतने भी हमारे पास स्पेशल एक होता है, मतलब इस गेम में मैंने देख रखा है विंड मिल के जो है वो पंखे, विंड मिल्स जो होती हैं उनके जो है वो क्या ब्लेड्स होते हैं, इतने इतने लंबे होते हैं और बहुत और भी बड़ी बड़ी चीज़ें। आई एम सॉरी यार, ओके आई एम सॉरी, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं विंड मिल्स के जो है वो ब्लेड्स वगैरह होते हैं और बड़े बड़े से जो है वो होते हैं बॉयलर टाइप से, और भी एक दो तो चीज़ें होती हैं। ओके तो हमने यहाँ से एक बार फिर से जो है वो लाइन चेंज करनी है, तो ये जब आगे वाली, बेसिकली हमने जो है वो आगे वाली गाड़ी को फॉलो करना है, पीछे वाली क्या करती है उसकी हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी मतलब जब भी हमने लाइन चेंज करनी है, जब आगे वाली व्हीकल जो है वो हमारी वो लाइन चेंज कर लेगी तो हम जो है वो पीछे से लाइन चेंज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यूजुअली जो है अगर हम इस रोड पे होते विदाउट स्पेशल डिलीवरी तो यहाँ पे हमारी जो है वो मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर होनी थी, लेकिन नाउ एज़ वी आर कैरिंग अ स्पेशल डिलीवरी, हम जो है वो स्पेशल कार्गो जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, तो हमारी करंटली स्पीड लिमिट जो है वो सिर्फ 60 है, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर हम कम स्पीड पे जा रहे हैं बाकी एवरेज जो है वो डिलीवरी से। तो अभी मैं कोशिश करूँगा कि इसको एक्सीड ना करूँ, फ़िलहाल जो है वो यहाँ पे हम थोड़ा सा, यस, तो अभी मैंने यहाँ पे क्रूज स्पीड जो है वो लगा दी है जस्ट इन केस अभी मेरे को एमरजेंसी कोई ब्रेक लगानी पड़ गई तो काम जो है वो काफ़ी ख़राब होगा। क्रूज स्पीड जब भी मैं लगाता हूँ तो मेरे को ना थोड़ा सा डर रहता है क्योंकि फिर जो है वो आई डोंट नो, लेकिन मेरे को थोड़ा सा मतलब क्या ना क्रूज स्पीड से जो है वो डर रहता ही है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे, ओहो भाई इतने फजूल किस्म के इसके कैमरे हैं, तो अरे वाह हमारे ट्रक के ऊपर भी भाई एक बीकन लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैमरा जैसे ही लाइन सीधी आएगी मैं थोड़ा सा आपको कैमरा स्विच करके जो है वो दिखाता रहूँगा, ठीक है, कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ओके तो ये गाड़ी आगे वाली थोड़ा सा स्लो डाउन हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, बट या आई एम स्टिल फॉलोइंग। ओके अभी दोबारा से उसने जो है वो एक्सेलरेशन पकड़ ली है, तो ये हमारी जी स्पेशल डिलीवरी जा रही है। अबे भाई मैं आपको सिनेमैटिक्स दिखाने में के चक्करों में कहीं ठोक ना दूँ, आई एम सॉरी। आज तो भाई आपको ये मतलब कि स्टैंडर्ड जो बोरिंग सा होता है इसका इंटीरियर कैमरा, ये ठीक है ना इंटीरियर कैमरा, हम रियलिस्टिक ड्राइविंग कर रहे हैं, स्टीयरिंग व्हील किस लिए लगा रखा है, आपको बस एक दो दफ़ा दिखा दिया है मैंने, दैट्स राइट। मैं नहीं चाहता कि अभी कैमरा चेंज करने के चक्कर में जो है वो मैं कहीं पे ट्रक को ठोक दूँ यहाँ पे, विच वुड बी डिज़ास्टर, और ये हमारा मिशन जो है वो यहीं पर फेल हो जाए। डेफिनेटली आप भी ये नहीं चाहते होंगे, आप भी यही चाहते होंगे कि हमारा ये रूट जो, ओबे स्पीड लिमिट, अबे ये खुद से कैसे इतना हाई स्पीड पे चला गया, क्या डिसेंडिंग की वजह से? तो बेहतर है कि हम इसको थोड़ा सा ना यहीं पे सेट कर लें, क्योंकि 3-4 किलोमीटर स्पीड तो जो है वो वैसे भी बढ़ जाती है जब आप ऊंची जगह से नीचे मतलब डाउन द हिल आप ड्राइव कर रहे हो, डाउन हिल असिस्ट बोलते हैं समथिंग, लेकिन वो गाड़ियों में तो होती है मेरे ख्याल से, ये ट्रक्स वगैरह में नहीं होती। ओके तो यहाँ पे ओ भाई देखो यहाँ पे फिर 61 पे, तो ये ना सारा चक्कर ही ये डाउन हिल का है। तो अभी देख सकते हैं आप कि हम तो जो है वो फ्यूल वगैरह तो इसमें वैसे ऑलरेडी फुल है हमारे ट्रक में, और रेस्ट वगैरह भी नहीं हम कर सकते, और फ्यूल जो है वो भी फुल है, तो ज़्यादा वैसे डिस्टेंस हमने ट्रैवल नहीं करना और रेस्ट भी नहीं कर सकते हम ड्यूरिंग दिस स्पेशल कार्गो। शायद हो सकता है कि ये भी एक रीज़न हो, क्योंकि हम रेस्ट नहीं कर सकते तो इसलिए भी रीज़न हो कि जो स्पेशल कार्गो डिलीवरी के जो रूट्स होते हैं वो डेफिनेटली थोड़े से जो है वो शॉर्टर होते हैं कंपेयर टू अदर रूट्स। ओके आई जस्ट होप के अभी हम इस रोड को जो है वो मैक्सिमम फॉलो करें। अरे वाह क्या बात अभी ये भी हमारे लिए आई है क्या? मेरे ख्याल से आई डोंट नो,
लेकिन यार डेफिनेटली भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चक्कर है। आप लोग मेरे को अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसा लग रहा है। मतलब इस डेफिनेटली आपने इससे पहले भी स्पेशल कार्गो की गेम प्ले देखे होंगे, लेकिन अगर नहीं देखें मेरी तरह आप भी ये चीज़ें पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लग रहा है, आर यू इन्जॉइंग दिस। और यहाँ पे भी भाई पुलिस वगैरह जो है वो खड़ी है हमें जो है वो रास्ता देने के लिए। माइंड ब्लोइंग मेरे को तो है, इवन दो दिस इज़ गोइंग टू बी इन गेम, ये सिर्फ गेम है आई डोंट नो, लेकिन डेवलपर्स की सोच है कि उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया तो बड़ी एक स्पेशल सी फीलिंग आ रही है कि हमारे लिए वाह भाई वाह। वरना यहाँ पे तो ट्रक इतने ढीठ किस्म के होते हैं कि वो जो है वो टक्कर ठोकने के ओके तो ये भी शायद हमारे लिए ही था। नहीं भाई ये यहाँ पे कोई वर्कर वगैरह काम कर रहे थे ओके तो काफ़ी देर से वैसे हम एक ही लाइन में ड्राइव कर रहे हैं, हमने अभी तक कोई मैनूवर नहीं किया है। ठीक है आई गेस कि यहाँ पे अभी हम थोड़ी देर के लिए तो थर्ड पर्सन में ड्राइव कर ही सकते हैं। ओके तो आ गया ये मैनूवर अभी ये, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से अभी ये बताते नहीं है इतना। ठीक है तो अभी मतलब इनको बताना चाहिए था, शायद इन्होंने नहीं बताया, मे भी एक तो टाइम के लिए बताते हूँ, अभी हर बारी तो नहीं ना वो बताएंगे कि भाई यहाँ से आपने जो है वो लाइन चेंज करनी है। अभी सिंपली आगे उन्होंने गाड़ी रख तो छोड़ी है हमारे लिए कि भाई इसको देख के जो है वो ड्राइव करो, जहाँ जहाँ पे ये गाड़ी जाएगी वहाँ वहाँ पे भी आप लोगों ने भी जाना है। तो ये एक गाड़ी हमारे जो है वो पीछे चल रही है बिल्कुल आराम से, तो एक आगे जो है वो हमारे गाड़ी जा रही है विच इज़ डेफिनेटली माइंड ब्लोइंग। ओ भाई यहाँ पे देखो प्लीज, अभी यहाँ पे प्लीज एक फ़ोटो जो है वो ले लेते हैं, बड़ा मतलब कि पुलिस की गाड़ी भी है हमारी वो दूसरी भी है गाड़ी। फोटो स्टूडियो की तरह भाई विच टू फोटो एंड पिक्चर मूड, एक फ़ोटो ले लेते हैं। यहाँ पे दो तीन किस्म की जो है वो व्हीकल हमारे पास आ रही थी। अबे यार ये मनूवर वाली गाड़ी कुछ ज़्यादा ही आगे है ना। ओके तो इससे ज़्यादा आगे जो है वो हम वैसे भी नहीं जा सकते, तो चलो हम जो है वो पीछे वाली को थोड़ा सा फोकस में ले लेते हैं, थोड़ा सा अपने ट्रक को फोकस में ले लेते हैं। क्यों भाई लोग क्या बोलते हो, थोड़ा सा इसको हम लो कर लेते हैं। अबे यार हमारी यहाँ पे ना स्पेशल डिलीवरी जो है वो नहीं नज़र आ रही, यहाँ पे थोड़ा सा हमें साइड से जो है वो ले लेनी चाहिए। प्रोबेबली यहाँ से ठीक होगा, तो फील्ड ऑफ व्यू को हम जो है वो यहाँ पे कम कर लेते हैं मैक्सिमम, और डेप्थ ऑफ फील्ड को टोटली ख़त्म कर देते हैं हम लोग, और फील्ड ऑफ व्यू को थोड़ा सा मज़ीद मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे चेंज कर दूँ। ओके और थोड़ा सा मज़ीद, क्योंकि जितना हम फील्ड ऑफ व्यू कर चेक थोड़ा करेंगे उतनी वो पीछे वाली गाड़ी जो है वो ज़्यादा नज़र आएगी, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम बैकग्राउंड ब्लर ले आते हैं इतना कि वो बस हमारी जो है वो गाड़ी ब्लर ना हो, बाकी सारी की चीज़ सारी जो है वो अगर कुछ होता भी है ब्लर तो हो लेने दो उसको। तो आई गेस इट्स अ वेरी गुड पॉइंट और बहुत ही अच्छा है, तो अभी हम वापस चलते हैं अपनी गेम में। ओके वापस वी आर बैक इन द गेम। तो मेरी कोशिश तो यही थी कि हम जो है वो फ्रंट वाली जो है वो मैनूवर व्हीकल उसको भी संभाल ले आते अपनी फ़ोटो में, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही आगे चल रही है तो नहीं आ सकी भाई, अब क्या करें हम लोग। ओके तो यहाँ पे हमने 150 किलोमीटर कर लिया है टोटल, हमें जो है वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना था। 150 हम कर चुके हैं, 150 जो है वो रह चुका है विच इज़ ऑफ कोर्स ऐसी बातों में जो है वो पता भी नहीं चलना उसका। यहाँ पे ये वाले जो रोड आते हैं ना, यहाँ पे मतलब ये वाला रोड जो है इसका टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट है, आप देख ही सकते हो। तो ये वाला जब रोड आता है ना तो स्टेयरिंग व्हील में थोड़ी सी वाइब्रेशन जो है वो आना शुरू हो जाती है फोर स्पीड ब्रेक की वजह से। ओके ओ भाई मैं स्पीड लिमिट से ऊपर जा रहा हूँ, व्हाट द हेल, मैं टोटली भूल ही गया था स्पीड लिमिट का। ओके कोई बात नहीं, अभी मैंने दोबारा से जो है वो क्रूज़ स्पीड जो है वो सेट कर लिया है, और इसको मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा जो है वो
ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, स्पीड लिमिट जो है वो यहाँ पे 50 पे आ गई है। हमने न्यू सिटी डिस्कवर कर लिया है और यहाँ पे हमने जो है वो शायद कोई टर्न वगैरह भी लेना है, तो यहाँ पे हम 40 के राउंड अबाउट जो है वो स्पीड सेट कर लेंगे अपनी। अबे हो जा कम, क्या हो गया है? ओके, 48 इज़ आई गेस गुड पॉइंट, क्योंकि जब फिर जो है वो ट्रक थोड़ी सी स्पीड जो है वो गेन कर लेता है जब हम डाउन द हिल ड्राइव करते हैं थोड़ा सा। ओके, तो हम यहाँ पे एक सिटी में बेसिकली इंटर हो चुके हैं और यहाँ पे हमारे लिए तो एटलीस्ट रेड लाइन नहीं है, तो हम जो है वो भाई यहाँ से बड़े ठाट से जो है वो रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं। वैसे होते तो हमारे यहाँ पे प्रोबेबली 300 यूरोस जो है वो अभी हमें थुक जाने थे रेड एज अ रेड लाइट ऑफेंस। अभी मैंने यार गियर नहीं निकाले करके। ओके, तो यहाँ पे भी हमें रुकना है आई डोंट नो कितने टाइम के लिए। ओके, वी आर स्टैंडिंग हेयर और जब तक हमारे आगे वाली गाड़ी हिलती नहीं है वी कैन नॉट मूव, और मेरे को नहीं पता कि वो यहाँ पर क्यों खड़ी है। ओके गाइस, तो मेरे को यहाँ पे ना खड़े हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, मेरे को नहीं पता कि अब मेरे को नहीं पता है कि हम यहाँ पे इतनी देर से क्यों खड़े हैं। हो सकता है कि गेम में कोई बग आ गया, तो यहाँ पे मैं एक जो है वो फजूल और अपनी तरफ से तो मैं बेवकूफ़ी करने लगा हूँ, लेकिन भाई हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे आगे वाली एस्कॉर्ट व्हीकल्स को फॉलो किए बगैर आगे जा रहा हूँ। अब मेरे को नहीं पता कि यहाँ, ओ भाई ओ भाई 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 भाई, ये तो टच करेंगे हम इससे। यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो हम, अरे भाई अरे भाई 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 भाई, और रुक जा भाई। ओके, तो मैं यहाँ पे जो है वो अपने से आप से ही खुद से ही जो है वो आगे जा रहा हूँ, या आगे वाली एस्कॉर्ट व्हीकल जो है वो, ओह हाँ ओके, यू हैव डैमेज द एस्कॉर्ट व्हीकल, यू कैन लोड। ओके भाई, दोबारा लोड कर दो, मे बी देयर वाज़ अ, मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई किसी किस्म का बग था जिसकी वजह से आगे वाली एस्कॉर्ट व्हीकल जो है वो रुक गई। आई जस्ट होप के देखा, ओके अबे गियर तो लगा लूँ। ओके, तो यस डेफिनेटली देर वाज अ बग। ओके, तो उस बग की वजह से यहाँ पे ये आगे वाली एस्कॉर्ट व्हीकल जो है वो रुक गई थी। तो भाई यहाँ पे मैं तो कम से कम 2-3 मिनट के लिए खड़ा रहा, तो इतनी देर तक तो हम डेफिनेटली नहीं खड़े रह सकते थे यहाँ पे। तो खैर थोड़ा सा रिस्क लिया, लेकिन वी आर बैक ऑन द रोड, वरना मैं ऐसे भोंदुओं की तरह पता नहीं यहाँ पे कब तक जो है वो खड़ा रहता। नो आइडिया, आई वॉज वेरी यू नो कि मेरे को पता लग गया था जब 2 मिनट हो चुके थे और कोई भी चीज़ जो है वो मूव नहीं कर रही थी, तो आई जस्ट गॉट इट कि नहीं भाई यहाँ पे काम जो है वो कोई पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई काम जो है वो ख़राब हो गया है यहाँ पे। तो या मैं आई डोंट नो, प्रोबेबली मेरी सिक्स सेंस जो है वो कह रही थी मेरे को कि भैया निकल ले यहाँ से, वरना यहाँ पे तो तू शाम तक मतलब रात सारी यहाँ पे बेशक खड़ा रहे, कुछ बनने नहीं वाला। तो खैर थोड़ा सा हमारा टाइम ज़ाया हुआ, बट वी आर ऑन द रोड अगेन। तो एक हमने मिस्टेक जो है वो कर दी है, तो हमने जो है वो एस्कॉर्ट व्हीकल को डैमेज कर दिया और बहुत ही बुरा किस्म का जो है वो मेरे को। ओके, लाइन असिस्ट आ रही है जी, थैंक्स फॉर टेलिंग। तो या दैट वाज द सिचुएशन, अभी हमें जो है वो लाइन चेंज करनी है। तो अभी रह गए हैं जी हमारे 132, तो अभी तक थैंकफुली मैंने कोई और मिस्टेक नहीं की, तो पहली मिस्टेक भी मेरी तरफ से नहीं थी, इट वाज सम सॉर्ट ऑफ बग इन द गेम। ओके, तो अभी हमें जो है वो फिर से एक ब्रिज के ऊपर चढ़ना है। तो यहाँ पे शायद वंस अगेन हमारी जो है वो आगे वाली एस्कॉर्ट व्हीकल थोड़ा सा आगे निकल जाए और हमें जो है वो फिर दोबारा उसको लेने के लिए रुकना पड़ेगा।
आई एम वेटिंग, लेट्स सी कि क्या करती है, जाती है इस बार भी आगे एस्कॉर्ट व्हीकल या नहीं। ओके जी, हियर वी गो, नाइस एंड केयरफुली यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइव करना पड़ेगा। डिलीवरी जो है ना थोड़ा सा मतलब, अरे भाई बारिश, अभी बारिश भी हो गई यहाँ पे, वाइपर्स कहाँ से होने पे थे। ओके आ गया। थोड़ा सा और स्पीड से जो है मैं इसको ड्राइव कर लूँगा, वाइपर्स को ऑन कर लूँगा, क्योंकि मेरे को फ़िलहाल तो यहाँ पे कख नज़र नहीं आ रहा। ओके जी, तो आगे भी आप देख सकते हैं पुलिस वाली गाड़ी जो है वो हमारा खड़ी है, हमारा इंतज़ार कर रही है हमें। तो भैया आज यहाँ पे मिल रहा है एक VIP प्रोटोकॉल, हिट्टी ना कर दूँ, खुशी खुशी में मैं इस गाड़ी को। ओके, तो इस बार हमारी आगे वाली एस्कॉर्ट व्हीकल जो है वो आगे नहीं गई थी, तो वो वहीं पर थी। अभी यहाँ पर हम जो है वो गेयर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा भी हंडी फास्ट चला रहे हैं यहाँ पे, जल्दी से इस डिलीवरी को ख़त्म भी करना है। यहाँ पे एक दो प्रॉब्लम्स की वजह से हमें जो है वो थोड़ा सा टाइम लग गया, वरना वी आर गोइंग वेरी परफेक्टली। एक गियर तो और लगा लो भैया, ठीक है। तो मैं वैसे यहाँ पे गियर शिफ्टिंग जो है वो थोड़ी सी स्लो कर रहा हूँ, क्योंकि भैया स्पेशल कार्गो, अभी आपने देखा एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से जो है वो हमारा जो है वो मिशन यहाँ पे भैया फेल होने वाला था। अभी वो क्या है सामने ब्लू कलर का वाटर टावर है क्या? ओके जी, 60 किलोमीटर की रेंज है और अभी हम जा रहे हैं 48 की, लेकिन फिर भी आगे वाली गाड़ी थोड़ा सा स्लो चल रही है। यहाँ पे एक मतलब कि है कि जो भी मेरे ख्याल से एंट्रेंस वाली जगह है वो सारी की सारी जो है ब्लॉक है, हमें जो है वो किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं है। इसके बावजूद भी हमारी स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम रखी गई है, ताकि हम जो है वो कोई ओंगी बोंगी ना मार दें। यू नो व्हाट इज़ मीन बाय ओंगी बोंगी, कोई गलती ना कर दें। तो 60 की लिमिट है, लेकिन आई विल स्टिल ड्राइव एट 40 और 50, क्योंकि भैया बारिश हो रही है, विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। और हम स्पेशल डिलीवरी भी लेके जा रहे हैं, रोड भी जो है आगे ट्विस्टेड सा चल रहा है, ऊपर से एस्कॉर्ट व्हीकल को ज़रा सा टच करो तो मिशन फेल होने को आ जाता है। तो भैया हम क्या करें ना, यहाँ पे तो 40, 80, 60 और 80 के बराबर है। वैसे तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा फास्ट चलाएंगे तो आगे वाली गाड़ी भी थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेगी, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन विजिबिलिटी तो चेक करो, नज़र ही नहीं आ रहा कुछ भी। अरे भाई ऊपर से बिजली भी कड़कना शुरू हो गई है, और रेयर मिरर से जो है वो आप देख सकते हैं विजिबिलिटी कितनी टट्टी क्वालिटी की हो गई है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। बारिश की छींटें जो है वो पड़ रही हैं यहाँ पर। ओके, बारिश हो रही है तो थोड़ा सा आपका बाहर का नज़ारा जो है मैं करवा देता हूँ कि बाहर से बारिश जो है वो कैसी लगती है। तो भाई इस तरह से लगती है। मैं अभी जल्दी से जो है वो दोबारा फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में आ गया हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट मेस हियर। मैं यहाँ पे किसी किस्म की जो है वो मेस क्रिएट नहीं करना चाहता। 83 किलोमीटर है हेडलाइट, ओ शिट। अरे भाई एक फिर भी टिकट हमें लग गई, हमने हेडलाइट नहीं यूज़ किया था। अबे यार ये क्या मतलब, मेरी मर्ज़ी ना, मैं हेडलाइट नहीं यूज़ करूँगा तो इसमें। तो मैंने यार थोड़ा सा कैमरा यहाँ पे बुला दिया। लो जी स्पेशल डिलीवरी वाले को भी लग गए स्पेशल डिलीवरी वाले के भी। मतलब हेडलाइट ऑफ थी तो चलान हो गया हमारा। वाह सही है भाई, भले ही हमें जितना भी प्रोटोकॉल मिल रहा है, लेकिन रूल इज़ रूल, लॉ जो है वो सबके लिए एक ही होता है। तो यप, आई वॉज़ नॉट अवेयर, यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता भाई इंडिया और पाकिस्तान में, जिसका दिल करे हेडलाइट्स ऑन करे, जिसका दिल करे नहीं करे। लेकिन भाई वो वहाँ पे यू नो, इसलिए तो उनको डेवलप्ड नेशंस बोलते हैं, क्योंकि वो रूल का जो है वो ख्याल रखते हैं। हमारे तो भैया ना कोई हेलमेट पहनता है मोटर बाइक वाला, और ना ही कोई यहाँ पर रूल है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ओके, वी आर स्टिल गोइंग, और मेरे ख्याल से इससे आगे शायद हमें दोबारा कोई मज़ीद न्यू रोड ना पकड़ना पड़े। यही रोड जो है वो अभी हमें सीधा हमारी डेस्टिनेशन पर लेके जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आगे जो है वो हम पार्किंग थोड़ी सी बेहतर तरीके से करें अपने ट्रक की। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैनुअल करूँ और थोड़ी सी हार्डेस्ट पार्किंग जो है वो पिक करूँ। लेकिन मैं लगा पाऊँगा उसको प्रॉपरली पार्किंग पर या नहीं, टाइम विल टेल, क्योंकि भैया इट्स अ स्पेशल डिलीवरी और थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है। आप देख सकते हैं कि ये बाहर को जो है ना काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ है, फर्नेस है कुछ समथिंग लाइक दिस, कोई फर्नेस वगैरह है, मेरे को नहीं पता, बारिश रुकी है।
तो भाई हम यहाँ पे अपने वाइपर्स जो है वो बंद कर देते हैं, कैमरे फजूल में एक डिस्ट्रैक्शन, और लाइट बंद कर दूँ क्या? ठीक है थोड़ी सी मतलब नहीं जला ही लेते हैं यार, यहाँ पे इनका क्या पता फिर ये ना हो कि बादलों पे भी लाइट का जो है वो जुर्माना होता हो कि नहीं जी आपको नहीं नज़र आ रहा कि यहाँ पे बादल हुए हुए हैं और आपने लाइट नहीं ऑन की, तो भाई मैं इस तरह के रिस्क अब नहीं लेने वाला। तो यहाँ पे जब क्लियर क्रिस्टल क्लियर सनी वेदर होगा, सनी 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 तो फिर ही जो है वो मैं दोबारा लाइट ऑन करूँगा। ये फ्लैग किस कंट्री का है? वाट काइंड ऑफ फ्लैग इज दिस? ये तो हो गया यूरोपीय यूनियन का। ये क्या है भाई? अच्छा भाई यहाँ पर पता नहीं कौन कौन से फ्लैग लगे हुए हैं, मेरे को तो ये भी नहीं पता। यूरोप की कंट्रीज़ के फ्लैग जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग है सच्ची में। तो एक तो इतने ज़्यादा कंट्रीज़ हैं वहाँ पे साथ ही साथ, और ऊपर से उनके फ्लैग भी काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे लाइट काफ़ी ज़्यादा आ गई, तो हम जो है वो फ्रंट लाइट बंद कर देते हैं, अपनी हेडलाइट्स जो है वो बंद कर देते हैं। अबे वाह यार नज़ारा देखो, चेक करो नज़ारा कितना ज़बरदस्त है। वाह माइंड ब्लोइंग भाई, क्या वाटर क्वालिटी चेक करो यार, अमेजिंग। अबे बस आ रही है भाई, अबे ये क्या कोई डैम वैम है क्या? अबे यहाँ पे देखो हमारी वीडियोस बन रही हैं, वाह। अभी हम मेरे ख्याल से पहुँचने वाले हैं शायद, इसलिए जो है वो वीडियोस वगैरह यहाँ पर। अभी मैं लाइन की क्रॉस कर अपनी लेन में ड्राइव करने का है ना मेरे को। अरे वाह यार देखो वो खूबसूरत सी जो है वो रेज आ रही है लाइट की, थोड़ा सा मतलब कैसा, वाह यार दैट्स अमेजिंग। अरे वाह क्या बात है, ये नज़ारा चेक करो कैसे जो है वो लाइट की रेज आ रही है और मज़ा करा रही है अभी यहाँ पे, सच्ची बात है। ओ भाई यहाँ पे इतने ट्रक क्यों आ गए हैं एकदम से ही, ये सारी ट्रैफिक रोटी तो नहीं खुल गई यहाँ पे लो जी हमारी यहाँ पे आ चुकी है जी लाइन चेंज, और हम प्रोबेबली यहाँ पे पहुँचने वाले हैं 27 किलोमीटर लेफ्ट ओनली। मुझे तो लगा था कि ये वाले शहर में हमें रुकना होगा, लेकिन भैया हमें तो शायद थोड़ा सा और आगे जाना है, और ओके किसी दिन मेरा दिल कर रहा है कि आपको ना स्टीयरिंग व्हील की वाइब्रेशंस मिले। अबे रास्ता दे भाई, अबे वो देखो आगे वाली ट्रैफिक, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं भाई, हम आ ही रहे हैं। अबे यहाँ पे कोई पुलिस पुलिस नहीं खड़ी, ये तो भाई गाड़ी वाले खुद ही खड़े हो रहे हैं, वरना पुलिस पुलिस तो कोई नहीं यहाँ पे खड़ी। ये क्या क्यों सीन है भाई यहाँ पे, भूल गए भाई रात हो रही है, शुड टर्न ऑन दी हेडलाइट्स, शाम हो रही है, विजिबिलिटी यहाँ पे पुलिस का भी कुछ पता नहीं चलता, कहीं पे भी चलान कर देती है। अजीब अजीब से रूल्स हैं भाई इस कंट्री, इससे ये मतलब कंट्री क्या होगी ना, यूरोप ही हो गया ना, तो यूरोप के भैया अजीब अजीब से रूल हैं, हमारे तो यहाँ पे कोई पूछता भी नहीं है रूल्स को बल्कि हम तो ऐसे लोग हैं कि जब तक एक आध रूल्स थोड़े ना हमारा दिन जो है वो अच्छे से, हम कहते नहीं है कि हम ये दिन ही नहीं यार अच्छा गुजरा आज, कोई रूल नहीं थोड़ा हमने जस्ट कीडिंग, मतलब होते हैं हमारे में भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे रूल्स जो है वो थोड़ी ना होता है भैया। ये एक वो अबे अच्छा छोड़ो यार, मैं मतलब कि क्या ये दूर सी बात लेके बैठे हैं, हम पहुंचने वाले हैं, इसकी हमें फिक्र करनी चाहिए। ओके ब्रेकिंग टाइम ओके जी, लास्ट टाइम मैंने ना बस को भी ऐसी स्पीड में लेके जा रहा था और ठोक दी थी मैंने बस। अबे भाई ये क्या अजीब से मैसेज आ रहे हैं, रिक्रूटिंग एजेंसी डिस्कवर कर ली है, तो क्या हुआ? ओके नाउ आई एम गेटिंग अ लिटिल बिट, क्या बोलते हैं यार उसको, नर्वस तो नहीं कहूँगा मैं, एक्साइटेड तो हो ही रहा हूँ, मतलब एक्साइटमेंट के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आती है, अभी पता नहीं इसको क्या बोलेंगे हम लोग। अच्छा अभी अभी मेरा कमेंट्री पे थोड़ा सा ना फोकस ख़त्म होने वाला है थोड़ा सा यहाँ पे, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, जब भी मैं कोई लोगों के अटेंशन डिमांडिंग काम करता हूँ ना तो कमेंट्री जो है वो भैया हमारी खुद ही हो जाती है, खली बल्ली हो जाती है। तो यहाँ पर जी जान छूट गई हमारी स्पोर्टिंग व्हीकल्स पर,
अरे वाह, पार्किंग का तो यहाँ पे कुछ चक्कर ही नहीं भाई, सीधी सीधी से बस पार्किंग करनी है हमें। और ये भी ना कर पाए तो भाई फायदा क्या है हमारा भाई यहाँ पे। तो सीधी सीधी सी पार्किंग, और थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे। हेयर वी गो, हेयर वी गो गाइस। ओ भाई रुक जा, क्या कर रहा है, पार्किंग ब्रेक मैंने लगाई नहीं थी। और ये जी हमारी स्पेशल डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी, स्पेशल ट्रांसपोर्ट मिशन डन। लेट्स सी हाउ मच। ओ भाई एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिल गया, एक्सपीरियंस माइंड ब्लोइंग। डिवाइन चैम्पियन, सही है भाई। ओके जी, आई जस्ट होप कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा ये वाला स्पेशल कार्गो देखने का गेम प्ले, स्पेशल कार्गो वाला। अगर आपकी कोई सजेशंस हो, कोई मूड शेयर करने हो, कमेंट सेक्शन हाजिर है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, और न्यू चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।